हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्राम स्टोकर ड्रैकुला मूवी की। यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। वैसे ड्रैकुला पर काफ़ी फिल्में बन चुकी है, लेकिन उन सभी फिल्मों में यह मेरी पर्सनल फेवरेट है। और अगर आप हॉरर मूवी के फैन हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब ब्राम स्टोकर ड्रैकुला मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। बात है ईयर 1462 की। उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल में युद्ध का माहौल था और तुर्कियों की एक बड़ी फौज ने रोमानिया पर हमला कर दिया था। अब ईसाईदम खतरे में था। जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब ट्रांसिल्वेनिया का एक जांबाज सिपाही मैदान में आया। उसका नाम ड्रैकुला था। वह एक ऐसी जंग में जा रहा था जहां से शायद वह कभी वापस नहीं आ सकता था। तो ड्रैकुला आखिरी बार अपनी वाइफ को मिलकर उसे अलविदा कहकर उस भयानक युद्ध पर चला जाता है। ड्रैकुला एक बहादुर योद्धा था। उसने जंग में सब तुर्कियों से मुकाबला किया। कई दिनों तक चली इस लड़ाई में आखिर ड्रैकुला ने तुर्कियों को हरा दिया। युद्ध जीतने के बाद ड्रैकुला गॉड को शुक्रिया कहता है और अपनी वाइफ को जल्द से जल्द मिलने के लिए वहां से निकल पड़ता है। फिर दूसरी ओर शर्मनाक हार के बाद तुर्कियों ने ड्रैकुला की वाइफ तक गलत खबर पहुंचाई कि ड्रैकुला मारा गया है। यह खबर सुनकर ड्रैकुला की वाइफ एलिजाबेथ ने नदी में कूदकर सुसाइड कर ली। ड्रैकुला वापस आकर देखता है कि एलिजाबेथ मर चुकी थी। यह देखकर ड्रैकुला बहुत ही गुस्सा करता है। वह वहां सब लोगों से कहता है कि उसने गॉड की सेवा की और उसके बदले में गॉड एलिजाबेथ को भी बचा ना सके। वह गुस्से में एक तलवार से जीसस के क्रॉस पर छेद कर देता है। उस क्रॉस में से खून निकलने लगता है। तब ड्रैकुला वह खून पीकर एक शापित इंसान बन जाता है। अब वह बस एक शैतान बनकर जिंदा रहेगा और इंसानों का खून पीता रहेगा। उसने गॉड का अपमान किया था, तो अब उसे धरती पर एक शैतान बनकर ही रहना पड़ेगा। अब 400 इयर्स के बाद लंदन शहर में ईयर 1897 की स्टोरी दिखाई गई है। अब उस वक्त जोनाथन नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर दिखाया गया है, जिसे उसके बॉस कहते हैं कि लंदन में ट्रांसिल्वेनिया के कोई काउंट ड्रैकुला नाम के रईस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जोनाथन को उसके बॉस कहते हैं कि इससे पहले वहां उन्होंने एक रेनफील्ड नाम के प्रॉपर्टी डीलर को भेजा था, पर वह पागल होकर वापस आया। इसी वजह से वहां जोनाथन को भेजा जा रहा है, जिससे वह खुद ड्रैकुला को मिलकर प्रॉपर्टी बेच सके। जोनाथन के लिए एक गोल्डन चांस था। उसके बॉस जोनाथन को कहते हैं कि उसे आज ही ड्रैकुला को मिलने के लिए ट्रांसिल्वेनिया जाना पड़ेगा। तो जोनाथन वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। जोनाथन मीना नाम की लड़की से प्यार करता था। वह दोनों एक दूसरे को चाहते थे, तो वह मीना को कहता है कि उसे कुछ दिन ट्रांसिल्वेनिया में बिताने पड़ेंगे और जैसे ही वह वहां से वापस आएगा वह दोनों शादी कर लेंगे। अब मीना को अलविदा कहकर जोनाथन ड्रैकुला को मिलने ट्रांसिल्वेनिया निकलता है। जोनाथन ट्रेन में था। वहां ड्रैकुला का लेटर उसके पास था, जिसमें डी ने लिखा था कि कर्पेटियन पर्वत के पास बार्को पास पर एक बग्गी जोनाथन को लेने के लिए आ जाएगी। वह बग्गी से ड्रैकुला के महल तक पहुंच जाएगा। अब जोनाथन मीना की फोटो देखकर उसे मिस कर रहा था। अब जोनाथन बार्को पास पर आ गया था। वह बहुत ही डरावना माहौल था। उस इलाके में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी सन्नाटे के बीच आखिर डी की बग्गी जोनाथन को लेने के लिए आ जाती है। जोनाथन उस बग्गी से डी के महल की ओर आगे बढ़ रहा था। वो रास्ता बहुत ही डरावना था। आखिर बग्गी ड्रैकुला के महल तक पहुंच जाती है। जोनाथन देखता है कि वो महल बहुत ही डरावना था और बहुत ही बड़ा था। वो अब महल में आता है तो देखता है कि उसके सामने काउंट ड्रैकुला था। ड्रैकुला जोनाथन को कहते है कि उनके पूर्वज ड्रैकुल वंश के थे। वह बहुत ही क्रूर माने जाते थे और वह ड्रैकुल वंश के आखिरी वारिस है। ड्रैकुला लंदन के अलग अलग एरिया में 10 जितने मकान खरीदे थे। जोनाथन उस प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज क्लियर करके ड्रैकुला को बताई देता है, क्योंकि अब ड्रैकुला उन सभी प्रॉपर्टी के मालिक बन गए थे। अब अचानक ड्रैकुला की नजर एक तस्वीर पर जाती है। वह तस्वीर जोनाथन की प्रेमिका मीना की थी और उसकी शक्ल ड्रैकुला की वाइफ एलिजाबेथ से मिलती थी। ड्रैकुला जोनाथन को कहता है कि उसे महल में कम से कम एक महीना ड्रैकुला का मेहमान बनकर रहना पड़ेगा। मीना को खत से पता चलता है कि जोनाथन को ट्रांसिल्वेनिया में एक महीना रहना पड़ेगा।
वो अपसेट थी, पर आखिर एक महीने के बाद वो लोग शादी करने ही वाले थे। वह अभी अपनी फ्रेंड लूसी के साथ रहती थी। लूसी एक रईस खानदान से थी। वही वो एक दिलफेक लड़की थी। जोनाथन को पसंद नहीं था कि मीना लूसी के साथ रहे, पर मीना जानते थे कि लूसी एक अच्छी लड़की है। ड्रैकुला जोनाथन को एक कमरा दिखाता है। वह कहता है कि जोनाथन को उसी कमरे में रुकना पड़ेगा, अगर वह किसी और कमरे में गया तो वह उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। तभी ड्रैकुला जोनाथन के गले में क्रॉस देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ड्रैकुला के अजीब बिहेव से जोनाथन डर गया था। थोड़ी देर बाद ड्रैकुला वहां से चला जाता है। जोनाथन को भी यकीन हो गया था कि उससे पहले जो प्रॉपर्टी डीलर रेनफील्ड यहाँ पर आया था वह शायद ड्रैकुला की वजह से ही पागल हो गया था। अब ड्रैकुला के मना करने के बावजूद जोनाथन महल में घूम रहा था। वह कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वह एक दूसरे कमरे में आ जाता है जहाँ पर तीन चुड़ैल थी जो जोनाथन को बेहोश करके उसका खून पीने लगती है और उसका क्रॉस वाला तावीज भी पिघला देती है। जोनाथन होश में आकर देखता है कि ड्रैकुला वहां चुड़ैलों के पास खड़ा था और वह चुड़ैल जिंदा इंसान को खा रही थी। जोनाथन समझ गया था कि अब वो भी यहां से रेनफील्ड के जैसे ही पागल होकर निकलेगा। फिर भी वो यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में लग जाता है। जोनाथन देखता है कि वहां पर डी के नौकर बड़े बड़े लकड़े के बॉक्स में महल की मिट्टी भर रहे थे और यह बॉक्स ड्रैकुला के लंदन के घर में भेजने वाले थे। जोनाथन समझ नहीं पाता कि आखिर यह सब बॉक्स वहां क्यों भेजे जा रहे थे। अब ट्रांसिल्वेनिया से एक जहाज में ड्रैकुला के महल की मिट्टी से भरे हुए 50 बड़े बॉक्स लंदन के लिए रवाना हो गए थे। धीरे धीरे उस जहाज पे सवार लोग गायब होने लगे थे। जहाज के कैप्टन को भी यकीन हो गया था कि जहाज पर कोई तो ऐसी चीज है जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। उस जहाज पर ड्रैकुला भी था जो उस बॉक्स में था, और ड्रैकुला खून का प्यासा था तो वह धीरे धीरे जहाज के सभी यात्रियों को मार डालता है। आखिर ड्रैकुला लंदन में आ चुका था। वह जोनाथन की प्रेमिका मीना को ढूंढते हुए लूसी के घर तक आ जाता है। उसी वक्त लूसी बाहर आ जाती है। वह अपने होश में नहीं थी। तब ड्रैकुला लूसी का खून पी रहा था। तभी वहां मीना आ जाती है और ड्रैकुला वहां से चला जाता है। अब ड्रैकुला के सारे बॉक्स उसके वफादार नौकर कार्फेक्स एबे नाम की जगह पर लाकर रख देते हैं, जो कि ड्रैकुला की लंदन की प्रॉपर्टी में से एक था। कहा जाता है कि रात में खून चूसने वाले प्राणी दिन में घूम फिर सकते हैं, पर दिन के उजाले में कमजोर हो जाते हैं। बस वैसा ही ड्रैकुला के साथ भी था, क्योंकि वह आखिर एक पिशाच था। अब ड्रैकुला पूरी तरह से यंग लग रहा था। ड्रैकुला एक रईस इंसान के लिबाज में लंदन में मीना को ढूंढ रहा था। आखिर मीना उसे मिल जाती है। ड्रैकुला मीना को अपना इंट्रो देता है। वह कहता है कि वो एक राजकुमार है, उसका नाम व्लेड है और वो इस शहर में अजनबी है। मीना को भी व्लेड एक अच्छा इंसान लगा। कुछ वक्त साथ बिताने के बाद ड्रैकुला यानी कि व्लेड मीना को लूसी के घर पर छोड़कर वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर ड्रैकुला के खून पीने के बाद से लूसी बदलने लगी थी। उसका अजीब बिहेव देखकर उसका मंगेतर आर्थर वरीड हो जाता है। तब उसका एक दोस्त जिसका नाम जैक था, वह कहता है कि लूसी को कोई बीमारी नहीं है। दरअसल उसके बिहेव से लगता है कि लूसी पर कोई बुरा साया है। जैक कहता है कि वह एक ऐसे इंसान को जानता है जो कि लूसी को फिर से ठीक कर सकता है। तब आर्थर जल्द से जल्द उन्हें यहाँ बुलाने के लिए कहता है। वही लूसी की गर्दन पर ड्रैकुला के दांत का निशान दिख रहा था, जिसकी वजह से वो बदल रही थी। अब जैक के बुलाने पर वहां पर लूसी को उस साये से छुड़ाने के लिए प्रोफेसर अब्राहम वैन हेल्सिंग वहां पर आते हैं। वैन हेल्सिंग देखते हैं कि लूसी कमजोर हो गई थी, उसका खून निचोड़ लिया गया था। उन्हें लूसी की गर्दन पर दो बड़े होल दिखाई देते जिससे वो सब समझ जाते। वो जैक और लूसी के मंगेतर को कहते हैं कि लूसी का खून एक पिशाच पी रहा है। वह पिशाच जीने के लिए लूसी का खून पी रहा था, क्योंकि यही उसका सहारा है। वैन हेल्सिंग कहते हैं कि अब वो क्यों ऐसा कर रहा है और इस पिशाच का क्या मकसद है यह तो किसी को भी पता नहीं, पर वो एक खूंखार दरिंदा है। वही ड्रैकुला व्लेड बनकर मीना पर सम्मोहन से कंट्रोल कर रहा था। वो मीना को सब दिखाता है कि जैसे वो एक राजकुमार था और मीना एक राजकुमारी, दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था
और वह दोनों अलग हो गए, पर आज बरसों के बाद वह फिर से एक हुए हैं, और इस बार कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता। ड्रैकुला ने आखिर मीना को भी वश में कर लिया था, क्योंकि वह मीना में अपनी वाइफ एलिजाबेथ को ढूंढ रहा था। दूसरी ओर ड्रैकुला के महल में उन चुड़ैलों के बीच फंसा हुआ जोनाथन एक आखिरी कोशिश करता है, और वो वहां एक सत पल से नीचे पानी में गिरता है। वो भी काफी कमजोर हो गया था। जोनाथन आखिर एक चर्च तक आ पहुंचता है। उस चर्च में जोनाथन सेफ था। वो सारी आप बीती वहां एक सिस्टर अगाथा को कहता है। सिस्टर मीना को एक खत लिखकर कहती है कि तुम्हारा मंगेतर जोनाथन हमारे साथ चर्च में सेफ है और जल्द ही लंदन आकर तुमसे शादी करेगा। यह खत पढ़कर मीना बहुत खुश हो जाती है। अब ल्यूसी की तबीयत और खराब होने लगती है, क्योंकि अब वो बदल चुकी थी। वह अपने मंगेतर आर्थर पर हमला करती है। तब वैन हेल्जिंग आर्थर को बचा लेते हैं। वह देखते हैं कि ल्यूसी आर्थर का खून पीना चाहती थी, और उसके दांत भी उस पिशाच के जैसे ही बाहर आ रहे थे। प्रोफेसर वैन हेल्जिंग एक किताब देखते हैं, जिसमें ड्रैकुला का जिक्र किया गया था। उसमें लिखा था कि ड्रैकुला एक पिशाच था जो जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीता था, और वह किसी भी जानवर या इंसान पर कंट्रोल कर सकता था। वह ड्रैकुलवंश का आखिरी वारिस है। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि वो यहाँ मीना के लिए ही आए हैं। शायद इसी वजह से ड्रैकुला ने मीना के मंगेतर जोनाथन को बंदी बना रखा था। वही मीना भी ब्लेड को खत भेजती है, जिसमें उसने लिखा था कि वो अब ब्लेड को नहीं मिल सकती, क्योंकि रोमानिया में उसका मंगेतर जोनाथन उसका वेट कर रहा है, और वो वहां जाकर जोनाथन से शादी कर लेगी। यह सुनकर ड्रैकुला एंग्री हो जाता है। वो मीना को खोना नहीं चाहता था। अचानक से मौसम में आ रहे बदलाव को देखकर वैन हेल्जिंग समझ जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि ड्रैकुला गुस्से में है। वैन हेल्जिंग ल्यूसी के मंगेतर आर्थर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि आज की रात डरावनी है। वह कहते हैं कि आज वह शैतान ल्यूसी के पास जरूर आएगा। अगर आज उस शैतान को रोक नहीं पाए तो वह ल्यूसी को मार डालेगा। पर आर्थर वैन हेल्जिंग को एक पागल समझकर वहां से चले जाने के लिए कहता है। अब आर्थर ल्यूसी के पास बैठा था, तभी वहां ड्रैकुला अपने शैतानी रूप में आता है और आर्थर को उठाकर फेंक देता है। तब आर्थर बेहोश हो जाता है। ड्रैकुला ल्यूसी से कहता है कि आज वह ल्यूसी का खून पीकर उसे मार डालेगा, और फिर ल्यूसी भी एक चुड़ैल बनकर इंसानों का खून पीकर जिंदा रहेगी, और वो आखिर ल्यूसी को मार डालता है। वही दूसरी ओर जोनाथन और मीना चर्च में शादी कर लेते हैं। अब ल्यूसी की डेड बॉडी दिखाई गई है। वह वैन हेल्जिंग आकर डॉक्टर जैक से मिलते है। वह कहते है कि आज रात किसी भी तरह उन्हें ल्यूसी का सिर काट कर उसका दिल निकालना होगा, वरना वो चुड़ैल बनकर सबको मारने लगेगी। ल्यूसी ऑलरेडी मर चुकी थी, पर वैन हेल्जिंग सच बोल रहा है या झूठ यह देखने के लिए आर्थर और डॉक्टर जैक प्रोफेसर वैन हेल्जिंग के साथ रात में ल्यूसी की कब्र पर आते हैं। वह ल्यूसी की कब्र खोलकर देखते हैं, तो वहां पर ल्यूसी की डेड बॉडी नहीं थी। तब वैन हेल्जिंग कहते है कि जिसका डर था आखिर वही हुआ, ल्यूसी जरूर एक चुड़ैल बन चुकी है। यह सुनकर आर्थर गुस्सा करता है। तभी उन्हें वहां किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सब छिप जाते हैं और देखते हैं कि वहां ल्यूसी सच में चुड़ैल बन चुकी थी और एक मासूम बच्चे को मारने के लिए वहां लेकर आई थी। वो सब उस बच्चे को ल्यूसी से बचा लेते हैं। वैन हेल्जिंग एक क्रॉस दिखाकर ल्यूसी को उस कब्र में वापस भेज देते और एक बड़े लोहे की रॉड सीधा उसके दिल में उतार कर ल्यूसी का सिर दत से अलग कर देते। यह सब होने के बाद ड्रैकुला बहुत ही गुस्से में था। अब वैन हेल्जिंग मीना और जोनाथन से मिलते हैं। तब जोनाथन कहता है कि वह जानता है कि अभी ड्रैकुला कहां पर है, क्योंकि जोनाथन ने ही डी को वह सब प्रॉपर्टी दिलवाई थी। वह ड्रैकुला कार्पेक्स एबे नाम की जगह पर है। वैन हेल्जिंग कहते हैं कि ड्रैकुला एक ताकतवर शैतान है, वह किसी भी जानवर या इंसान को वश में कर सकता है, वह एक फूंक बनकर गायब भी हो सकता है। ड्रैकुला अभी लंदन में इतना ताकतवर नहीं है, पर अगर वह ट्रांसिल्वेनिया पहुंच गया तो फिर उसे मारना नामुमकिन है। तो अब हम सबको मिलकर ड्रैकुला को कार्फेक्स एबे में ही मारना होगा। तो वो सभी लोग साथ मिलकर उस शैतान को मारने के लिए कार्फेक्स एबे पहुंच जाते हैं। अब वहां पर खतरा ज्यादा था, तो डॉक्टर जैक मीना को अपने कमरे में छोड़ने के लिए जाते हैं। तभी वहां रेनफील्ड मीना को कहता है कि आप ड्रैकुला की वाइफ एलिजाबेथ है और ड्रैकुला जल्द ही आपको ट्रांसिल्वेनिया ले जाएंगे। यह सुनकर मीना को अजीब फील होता है, पर आखिर वह पागल था
तो उसकी बात को नजरअंदाज करके वो वहां से चली जाती है। जैक मीना को एक कमरे में छोड़कर वहां से निकल जाता है। अब सब लोग कारफैक्स एबे में उस शैतान को ढूंढ रहे थे, पर वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तब वैन हेल्सिंग वह सभी मिट्टी के बॉक्स तोड़ने के लिए सबको कहते हैं। तब ड्रैक्यूला एक दीवार पर चमगादड़ बनकर सब लोगों को देख रहा था, और तभी ड्रैक्यूला वहां से चला जाता है और एक हरे रंग के फोग में बदलकर मीना के रूम तक आ जाता है। वैसे भी उसने मीना को वश में कर रखा था। ड्रैक्यूला मीना से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। वह कहता है कि उसके पास दिल है पर वह धड़कता नहीं है। वह एक शैतान है जिसे सब लोग मारना चाहते है। वह कहता है कि तुम्हारी खास फ्रेंड लूसी भी मेरी वजह से मरी थी। यह सुनकर मीना ड्रैक्यूला पर गुस्सा करती है, पर फिर भी वह ड्रैक्यूला के वश में थी। ड्रैक्यूला कहता है कि वो उसे भी अपने जैसा बना देगा और दोनों साथ में ट्रांसिल्वेनिया में रहेंगे। ऐसा कहकर ड्रैक्यूला अपना खून मीना को पिलाता है। अब मीना भी थोड़े ही दिनों में पूरी बदल जाएगी और ड्रैक्यूला के साथ जाएगी। पर उसी वक्त वहां पर वैन हेल्सिंग, जोनाथन और बाकी सब लोग आ जाते हैं। वह शैतान उन्हें देखकर अपने असली डरावने रूप में आ जाता है। वैन हेल्सिंग एक क्रॉस दिखाकर ड्रैक्यूला को रोकने की कोशिश करते है, पर वह एक ही सेकंड में वह क्रॉस जला देता है। ड्रैक्यूला कहता है कि तुम्हारे खुदा की उसने खिदमत की, पर फिर भी गॉड ने उसका प्यार एलिजाबेथ उससे छीन लिया। उसको गॉड ने सेवा के बदले यह श्राप दिया। ड्रैक्यूला कहता है कि वह मीना को अपने साथ ले जाएगा और उसके साथ पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। तभी जोनाथन उस शैतान पर गोली चलाता है और वैन हेल्सिंग उस पर होली वाटर फेंकते है। तभी वह शैतान अंधेरे में छिप जाता है और फिर बड़े चूहों में बदलकर वहां से बच निकलता है। अब वैन हेल्सिंग मीना से कहते हैं कि उस शैतान ने तुम्हें वश में कर लिया है, अगर ड्रैक्यूला को अभी नहीं रोका गया तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। वह कहते हैं कि सिर्फ तुम ही बता सकती हो कि ड्रैक्यूला अभी कहां पर है। तब मीना कहते हैं कि ड्रैक्यूला समंदर के रास्ते वापस ट्रांसिल्वेनिया अपने महल की ओर जा रहा है और वहां जाकर वह और ताकतवर बन जाएगा। अब सब लोग कुछ भी करके ड्रैक्यूला को रास्ते में ही मारने का प्लान बनाते। वह सब लंदन से ट्रेन में निकल चुके थे और उन्होंने इंग्लिश चैनल पार कर ली थी। ट्रेन से जाने में उनका एक फायदा था कि वो सब सिर्फ 3 दिनों में रोमानिया के पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। अब ड्रैक्यूला का जहाज ब्लैक सी से होते हुए वारना पहुंचने वाला था, तो वैन हेल्सिंग ने सबको पेरिस से बुडापेस्ट के रास्ते सीधा वारना पहुंचा दिया था, जहां वो सब मिलकर ड्रैक्यूला का जहाज जलाने की तैयारी कर चुके थे। वही दूसरी ओर मीना ने उस शैतान का खून पी लिया था, तो वह भी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। वह शैतान मीना पर हावी हो रहा था। वही वैन हेल्सिंग को न्यूज मिलती है कि ड्रैक्यूला की कश्ती गेलार्ड तक पहुंचने वाली है, यानी कि ड्रैक्यूला को भी मीना के जरिए पता चल गया था कि सब लोग कहां पर है। अब वारना से गेलार्ड 200 किलोमीटर दूर था, तो जोनाथन कहता है कि अगर वह सब गोडे लेकर जाएंगे तो ड्रैक्यूला को रास्ते में ही खत्म कर सकेंगे। जोनाथन वैन हेल्सिंग को कहता है कि वह मीना को अपने साथ बॉर्गो पास पर लेकर जाए, क्योंकि अगर वह सब मिलकर ड्रैक्यूला को न मार सके तो वैन हेल्सिंग ड्रैक्यूला को बॉर्गो पास पर खत्म कर सके। वारना से एक बग्गी में वैन हेल्सिंग मीना को लेकर बॉर्गो पास जाने के लिए निकलते है। वही जोनाथन के साथ बाकी लोग गोडे लेकर गेलार्ड जाने के लिए निकलते है। थोड़ी देर बाद जोनाथन को न्यूज मिलती है कि ड्रैक्यूला उसकी चाल समझ गया था, तो उसके वफादार साथियों ने ड्रैक्यूला का बक्सा ले लिया था और वह बक्सा लेकर बॉर्गो पास की ओर जा रहा है, जहां पर वैन हेल्सिंग और मीना थी। अब वह सभी बॉर्गो पास की ओर जाने के लिए निकलते है। वही रात हो जाने की वजह से वैन हेल्सिंग और मीना एक जगह रुक गए थे। मीना अब बस एक चुड़ैल में बदलने ही वाली थी, उसकी असर वैन हेल्सिंग देख सकते थे। तभी मीना प्रोफेसर पर हमला करती है, पर वैन हेल्सिंग एक पवित्र सिक्का उसके सिर पर रखकर उसे कंट्रोल में ला देते है। पर तभी ड्रैक्यूला की 3 चुड़ैल वहां आकर उन पर हमला करने की कोशिश करती है। तब वैन हेल्सिंग एक फायर सर्कल बनाकर उन्हें रोक देते है। तब वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब सुबह होते ही प्रोफेसर तीनों चुड़ैलों का सिर काटकर उन्हें मार डालते है, क्योंकि उन्हें पता था कि जब ड्रैक्यूला यहां पर आएगा तो वह चुड़ैल रुकावट बन सकती थी। अब ड्रैक्यूला बग्गी में बॉर्गो पास तक पहुंच गया था और उसका महल पास ही था। ड्रैक्यूला महसूस करता है कि मीना पास में ही है, तो वह खुश हो जाता है। वही शाम हो गई थी और दिन ढलने वाला था, तो वैन हेल्सिंग वलिद थे।
तभी जोनाथन, आर्थर और डॉक्टर जैक बाकी साथियों के साथ ड्रैकुला की बग्गी तक आ जाते और उस बग्गी पर हमला करते। वहां पर भारी मुकाबला होता है, पर जोनाथन और बाकी सबके पास गन्स थी तो वह सब एक एक करके ड्रैकुला के साथियों को मार डालते। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। उस वक्त अंधेरा का फायदा उठाकर ड्रैकुला बॉक्स तोड़कर बाहर आ जाता है। उसी वक्त जोनाथन एक खंजर से ड्रैकुला के गले पर वार करता है। ड्रैकुला घायल हो गया था, उसका खून निकल रहा था। तब ड्रैकुला के दिल पर चाकू से वार किया जाता है। वो अब कमजोर हो चुका था। दिल पर वार करने की वजह से वह नीचे गिरकर तड़पने लगता है। वो सब आखिरी वार करके ड्रैकुला को मारने ही वाले थे, तभी मीना सबको रोकती है, तो सब लोग उसकी बात मानकर दोनों को अकेला छोड़ देते। मीना ड्रैकुला को उसी चर्च में लेकर आती है जहां ड्रैकुला ने गॉड का अपमान किया था और उसे यह श्राप मिला था। मीना अब भी उस हैवान के वश में थी। मीना को सब दिखाई देता है कि कैसे ड्रैकुला की वाइफ एलिजाबेथ ने सुसाइड कर ली थी। अब गॉड ड्रैकुला को माफ कर देते और वह धीरे धीरे अपने असली अवतार में आ जाता है। ड्रैकुला को अफसोस हो रहा था। एलिजाबेथ की मौत के बाद वह नास्तिक हो गया था। वह मीना से भी माफी मांगता है और उसे इस श्राप से छुड़ाकर आजाद करने के लिए कहता है। तब मीना ड्रैकुला के दिल के आर पार चाकू घुसा देती है और उसी तलवार से ड्रैकुला का सिर दर्द से अलग कर देती है। आखिर ड्रैकुला मर चुका था और हमेशा के लिए उस श्राप से आजाद होकर खुदा के पास चला गया था। और यहीं पर ड्रैकुला की ओरिजिनल स्टोरी खत्म हो जाती है। ईयर 1992 में रिलीज हुई ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला मूवी को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 75% एंड ऑडियंस स्कोर 79% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।